हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रॉबिन सैम करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों चुना इसके कैसे मिक्सिंग करें इसका बारे में ये वीडियो है। दोस्तों वीडियो में बना रहे, अब ये हमारा काम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आपको भी स्टार्ट कर लेना है। दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं आपके सामने जो बोरा है वो कितना केजी का है। दोस्तों ये 25 केजी का है। दोस्तों आपको मार्केट में 10 केजी और 5 केजी में ये तीनों वैरायटी पैकिंग में है। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम मिक्सिंग का काम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों बाल्टी हम ले लिया है, उसमें पानी भी ले लिया है। दोस्तों और आपको भी बाल्टी पानी दोनों लेके आपको क्या करना है। दोस्तों पानी का अंदर चूना को डालना है। दोस्तों डालने के बाद हम एक लकड़ी लेंगे दोस्तों, क्योंकि हाथ से नहीं मिलाएंगे। दोस्तों एक लकड़ी लेंगे और लकड़ी से इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। दोस्तों मिक्सिंग करने के बाद क्या करेंगे, दोस्तों हमारा माल पहले हम पतला करके इसको एक बार मिक्स किया है। दोस्तों उसके बाद फिर चुना के मिक्स करना है। दोस्तों और एक बार मिला लेना है दोस्तों, ताकि हमारा गोल अच्छे से बन पाए। इसको गोल बनाते हैं दोस्तों, चुनाता गुल बन जाता है, प्राइमर के तरह होता है। दोस्तों रॉबिन सैम यही क्वालिटी है। दोस्तों ये 35 साल पुराना कंपनी है। दोस्तों और हम इसको बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। दोस्तों और आज हमको मौका मिला है दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का। ये हमारा काम बाहर के साइट में आ गए है। दोस्तों इस बाल्टीन का माल उसमें और इस बाल्टीन का माल उसमें इसी तरह मिक्सिंग कर रहे हैं। दोस्तों आपको भी कर लेना है। दोस्तों ये वीडियो के और चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अब ये हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। दोस्तों क्या करेंगे, हम जो वॉल आपके सामने है इसी वॉल पर आपको वॉश करके दिखलाने वाले हैं। दोस्तों उसी के लिए हमने पुट्टी पत्ती और झाड़ू और स्टैंड ले लिया है। दोस्तों लेके क्या कर रहे हैं, दोस्तों अभी हम सफाई का काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको भी सफाई करना है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप करेंगे तो दोस्तों कर पाएंगे। दोस्तों अब जब भी करें दिल से करें। दोस्तों दिल से करने से कोई भी काम कर लेंगे। दोस्तों जब भी काम करें बस मन में एक ही बात होना चाहिए। दोस्तों हम काम अच्छे से करना है तो 4 इंच का ब्रश ले लिया है। अब क्या करना है, हम व्हाइट वॉश का काम कर रहे हैं। दोस्तों और आपको भी व्हाइट वॉश का काम करना है। दोस्तों देखिए हम अभी अपना काम चालू कर दिया है, आपको भी काम चालू कर देना है। दोस्तों दोस्तों देखिए अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। दोस्तों अब पूरा एरिया करने के बाद दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए सूख जाने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों कैसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत दिख रहा है, बहुत बढ़िया वाइट हमें मिला है। दोस्तों तो दोस्तों ये आपका प्राइमरिंग का जैसा काम करेगा। दोस्तों ये वाइट वॉश चाहे तो इसके ऊपर प्राइमरिंग करके भी पेंट लगा सकते हैं। दोस्तों